दोस्तों आप देख रहे हैं राजू फिशिंग क्लब। आज आपको मछली मारने का स्पेशल तेल बना के दिखाएंगे। अगर आप इस तेल को टोप या चारा के अंदर डुबाकर तालाब में फेंकेंगे, रिवर में फेंकेंगे, झील में फेंकेंगे तो मछली बहुत तेज इसमें जमा होता है और बहुत जल्द मछली खाता है इस तेल की वजह से। तो आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ डालना है। जैसा देखिए, ये लहसुन देखते हैं, ये दो पोटली लहसुन है और चार पांच दाना इलायची रहेगा। और लहसुन देखिए इस तरह छील के हम रखा है, इसको कूटेंगे। ये देखिए लहसुन ऐसा छील के लगेगा। और उसके बाद ये देखिए सरसों का तेल है आधा प्याला। इस तेल को पहले गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद लहसुन को कूट कर इसको या पीस कर या कूट कर जैसा आपको सहूलत हो तेल में डाल दीजिए। जब तेल पूरा गर्म हो जाए उतार के तेल में डाल दीजिए और इलायची डाल दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए इसको किसी बोतल में या बुयाम में रख दीजिए। और जब आप शिकार करने जाए और टोप को इसमें डालकर, चारा को इसमें डालकर तालाब में नदी में फेंकें। और देखिए बहुत जोर मछली खाएगा, ये आजमाया हुआ है। और यहाँ जहाँ हम लोग रहते इसको बोलता है बागड़, लाल बागड़ बोला जाता है। तो अब आपको हम ले चलते हैं अपने चूल्हे के पास। तो पहले सबसे पहले लहसुन कूट लेते हैं हम। देखिए लहसुन कूटने का तरीका कैसा कूटा जाएगा, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हम। देखिए इस तरह लीजिए और हल्का हल्का इसको खाली कूट दीजिए, इसको पीसना नहीं है। जब तेल आपका गर्म हो जाए ये लहसुन को उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद लहसुन समय तेल नहीं लेना है, लहसुन के साथ इसको बुयाम में या बोतल में रख दीजिए। और फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे किस तरह इसको चार के कांटा में जो चारा लगा होता है उसको किस तरह डुबा के पानी में फेंकना है। ये आपको हम जब नया चार बनाएंगे उसमें आपको दिखा देंगे। तो देखिए इस तरह कूट लिया हमने, तो अभी इसे नहीं डालेंगे, इसे जब गर्म करेंगे। देखिए इस तरह कूटा गया, देखिए इस तरह कूटा गया। और ये देखिए ये चार दाना इलायची है, ये चार दाना इलायची है, ये इलायची को ये लहसुन के संग डाल देते हैं। तो अब चलते हैं हम चूल्हे के पास, तेल को इसमें डालते हैं। चलते हैं चूल्हे के पास और इसके अंदर हींग डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए हींग है, हाँ नहीं इलायची दोस्तों, देखिए दोस्तों ये लहसुन और इलायची और इसमें एक चीज़ और डालना है, हींग डालना है। ठंडा होने के बाद दोस्तों इसको छोड़ देने का है। देखिए हमने छोड़ दिया, हल्का हल्का गर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब इसमें थोड़ा हींग डालना है। देखिए कितना से हींग डालने का, देखिए हींग जरूर डालिएगा तभी इसमें मछली, रुई, मिर्गे, जितना ग्रास कप है, क्राफ्ट मछली सब खाएगा इसमें। ये देखिए हम डाल दिया, डालने के बाद इसको थोड़ा चला देते हैं, थोड़ा सा और हींग देते हैं। देखिए दोस्तों ये चम्मच का हिस्से हम इसको चला देते हैं। अब ये ठंडा होने पर इसको किसी बुयाम में बोतल में डाल के रख लेंगे। जब मछली शिकार करने बैठेंगे और यही तेल चारा के अंदर डुबाते जाएंगे और तालाब में, झील में, नदी में फेंकते जाएंगे और मछली तेज़ी से खाएगा इसकी खुशबू से। और तेल जब पानी में छोड़ता है तो एक तरीके का बुलबुला उठता है जो मछली को सफ़ा नज़र आता है। और मछली उस बुलबुला के ज़रिए आपके चारे के पास आएगा और चारा खाएगा, आपके कांटा में मछली आपका फंस जाएगा। दोस्तों ये आजमाया हुआ है, 100% ये आजमाया हुआ है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इसे, क्योंकि जब भी मछली रुई मिर्गेल कतला पकड़ने जाते हैं तो कतला तो ये नहीं छूता है, रुई मिर्गेल एकदम इसको, रुई मिर्गेल, तेलापिया, ग्रास कप, ये सारा मछली इसको पसंद करता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे हमने तेल बनाया है। मिलते हैं एक नए वीडियो के संग। गुड बाय दोस्तों।